आज जो माहौल चालू है, जो हिंदुओं लोग के जुल्म हुए, जो पहले आवारों ने किया था, वो दिखाया जा रहा है। तो आगे की जो है लोग, ये गलतियां नहीं होगी, क्योंकि ये जो पिक्चर देखेगा उनको आगे पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान क्या था और अब क्या है। और अब बस वो अभी जो देख रहा है वो आगे जाके करेगा ही कुछ ना कुछ, मतलब पिछला कुछ इतिहास देख के उन लोगों ने ये बनाया पिक्चर, तो आज 500 साल का इतिहास दिखा रहा है। तो कुछ वजह है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो लाइफ कम हो गई, 60 साल 70 साल की हो गई जिसकी, वो कम से कम इस चीज़ों को अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं ऐसी पिक्चरें देखते हैं। 22 जनवरी को किस तरह देखते हैं बस, जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ये तो होना ही चाहिए। ओके, मूवी जो है वो हिंदुत्व का, गुलामी मानसिकता जो रखते थे उन लोगों का, जो आज के डेट में भी अपने आप को एक बहुरूपिया के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन लोगों का सही चरित्र दिखाने का ये मूवी माध्यम है। मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से प्रभु राम का जन्मभूमि में, अयोध्या में मंदिर जो बना है, उसमें जो संघर्ष किए हैं, उन लोगों की वास्तविकता दिखाई गई इस मूवी में, और मैं तो जी चुका हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं भी कार सेवक हूँ। क्या बात है सर, तो कि इस यंग यूथ के लिए क्या कुछ इस फिल्म में मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं यही ऑडियंस को कहना चाहूँगा, राम मंदिर तो हमने बना लिया, अभी मथुरा और काशी बाकी है। क्या बात है, एक बार बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी लगी फिल्म राम? राम राम लगी, जय श्री राम लगी, बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के लिए? मैं फिल्म के लिए ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी लोग हैं, ये मूवी ज़रूर देखें, और वो इसलिए देखें क्योंकि देखो मूवी में जो दिखाया गया वो चीज़ सबको पता है, हर किसी को पता है कि, लेकिन वीडियो सामने से देखने से जोश ताज़ा हो जाएगा और अपने धर्म के प्रति मतलब तेज हो जाएगा दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यार ये मूवी मतलब हमें रियलाइज़ करा रही है कि हमारा धर्म और हमारा कर्म क्या है, हम पैदा किस लिए हुए हैं। हमारे साथ तो बहुत सारा अत्याचार होता आया है अपने हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तानियों के साथ रोना आ गया, मैं तो पूरे मूवी में रो ही रही थी मूवी देख कर, बिकॉज अपनी चीज़ के लिए लड़ना पड़े ये कितना दुख की बात होता है, जब हमारा जब आपका कोई घर है और आपका ही घर आपसे छीना जा रहा हो तो इंसान मरने को तैयार हो जाता है। ये तो श्री राम की बात थी, तो बात ही खत्म हो जाती है। और ये मूवी ज़रूर देखें क्योंकि इससे क्या होएगा कि जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं मूवी के और डायरेक्टर हैं और जो एक्टर हैं, उनको ये फील होगा कि आगे चल के भी ऐसी मूवी बनानी चाहिए जिससे लोगों को सच्चाई और हिस्ट्री के बारे में पता चले। अगर मैं सही हूँ तो आपके भी कहीं ना कहीं इस फिल्म में किरदार है? जी नहीं, मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, मैंने लेकिन मैं सिंगर हूँ, एज ए माई नेम इज़ हैप्पी राय, और मैंने श्री राम के लिए एक गाना भी बनाया है जो YouTube पे आप देख सकते हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैप्पी राय डालकर। जी, सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को इस फिल्म के? ऑडियंस के लिए मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, मैं एक लाइन सुनाना चाहूँगी जो मैंने गाना गाया हुआ है। राम से सुंदर राम से बढ़कर, राम से सुंदर राम से बढ़कर, जग में कोई नाम ना है, सबके प्यारे सबके दुलारे मेरे प्रभु श्री राम है। जय श्री राम। क्या बात है, 22 जनवरी को किस तरह देख रही हैं आप? देखिए मैं तो अपने घर में बैठे बैठे ही सब देख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंतर आत्मा में अपनी खुद की खोज करो, मतलब वहाँ जाने से कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ लगाना है, वहाँ पर संख्या बढ़ा देनी है, तो आराम से दर्शन करिए क्योंकि श्री राम आ चुके हैं और रहेंगे ही हमेशा, जब तक ये धरती और ये दुनिया रहेगी राम रहेंगे, तो आराम से दर्शन करें, पूजा पाठ करें, आतंक मचाने की किसी को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमेशा सत्य की ही विजय होती है और आज हुई है। जी थैंक यू सो मच। फिल्म इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी फिल्म है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। फिल्म की सबसे खासियत क्या है? खासियत ये कि जैसे हमारे हमसे कोई चीज़ छीन ली जाती है या कभी मजबूरी में कोई चीज़ देनी पड़ती है, तो वो चीज़ें वापस आती है एक दिन, मतलब ऐसा समय आता है लाइफ में कि जो चीज़ छूट गई है वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ऐसा वक्त रहता है। जैसे बोलते ना कि धरती गोल है, तो ऐसे वक्त भी घूमता रहता है। 22 जनवरी को किस तरह देख रहे हैं? कोई विश्व भव्य रंग में रंगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। आप किस तरह
नहीं, रंगा हुआ तो अच्छी बात है, वो मैं भी उसी तरह से ही देख रहा हूँ जिस तरह से आप देख रहे हो आज का दिन। जी, लो, रूल करो।